दोस्तों, आप हमारे चैनल के अगर रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि गोल्ड जब $1,615 के पास था, तभी से हमने आपको बताया कि गोल्ड के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी ऊपरी तरफ बन सकती है और गोल्ड ने हमने बताए हुए दोनों टारगेट्स भी हासिल कर लिए हैं। गोल्ड के अंदर जब $1,725 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो हमने आपको बताया कि ये तेज़ी वहाँ से और बढ़ेगी और आपने देखा गोल्ड के अंदर $1,786 तक तेज़ी भी बनी। उसके बाद वीडियोस बनाकर हमने आपको बताया कि अभी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है और आपने देखा कि गोल्ड के अंदर वहाँ से एक अच्छी गिरावट भी आई है। ये गिरावट के अंदर हमने आपको क्लियरली सपोर्ट बताया था $1,725 का। आप देख सकते हो गोल्ड ने वहीं पर सपोर्ट लिया है और गोल्ड के अंदर वहाँ से एक अच्छा उछाल आया है। अब आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए $1,725 ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेज़ी और बढ़नी चाहिए। गोल्ड अगर आने वाले दिनों में $1,786 को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर नई तेज़ी की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट टर्म व्यू। चलो अब थोड़ा मंथली चार्ट पे जाके मंथली चार्ट पर क्या हो रहा है वो पता करते हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो पिछले 2 साल से गोल्ड एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। ये अक्टूबर 2022 में गोल्ड ने ये रेक्टेंगल पैटर्न से मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये नवंबर महीने की कैंडल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिर से एक बार गोल्ड ये रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर वापस आ चुका है। दोस्तों, इसे फेकआउट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फेकआउट कन्फर्म होने के लिए हमें नवंबर महीने की क्लोजिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो यहाँ से और 3 दिन दूर है। नवंबर महीने की क्लोजिंग के बाद अगर ये फेकआउट कन्फर्म हो जाता है तो पूरे चांसेस है कि वहाँ से गोल्ड के अंदर तेज़ी और बढ़ेगी। दोस्तों, ये फेकआउट कन्फर्म होने के लिए गोल्ड को अभी जो वो लेवल के पास है उसी के पास क्लोजिंग देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया के अंदर हमने आपको बताया था कि 52,620 ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। गोल्ड जब इससे ब्रेकआउट दे रहा था तो हमने वीडियो बनाकर आपको क्लियरली बोला था कि ये ब्रेकआउट को चेस ना करें। आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर वहाँ से थोड़ी तेज़ी और बनी, लेकिन अब गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आ चुकी है। अब आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए इंडिया में 52,000 ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेज़ी और बढ़नी चाहिए। गोल्ड जैसे ही आने वाले दिनों में 53,200 को ऊपरी तरफ तोड़ता है, इंडिया के अंदर भी गोल्ड में नई तेज़ी की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे सिल्वर के वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको बेफिक्र होकर काम नहीं करना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी उसके सपोर्ट के पास है, तो थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। चलो अब इंडिया के अंदर गोल्ड के वीकली चार्ट पर जाते हैं। दोस्तों, जब गोल्ड ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था तो हमने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर तेज़ी बहुत बढ़ने वाली है। आपने देखा कि ये ब्रेकआउट के बाद गोल्ड उसके पुराने हाई तक ऊपर गया था और वहाँ पर हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बताया था। आप देख सकते हो पिछले 9 महीने से या फिर 2022 की शुरुआत से गोल्ड एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में तेज़ी बढ़ती है तो इंडिया के अंदर ये साइडवेज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी आ सकता है, जो गोल्ड की कीमतों को और ऊपर लेके जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में जहां पर 2022 के बाद आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर 22% की एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी और गोल्ड अभी भी जहाँ पर 15% उसके हाई से नीचे है, आप देख सकते हो इंडिया के अंदर 2022 के बाद गोल्ड के अंदर सिर्फ 12% की गिरावट आई थी और गोल्ड अभी उसके हाई से सिर्फ 5% ही नीचे है। ये सब हुआ है इंडियन रुपी की वजह से। आप देख सकते हो 2022 के बाद ही इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो इंडियन रुपी और डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। ऊपर का चार्ट है इंडियन रुपी का और नीचे का चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। आप देख सकते हो 2022 के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ये तेज़ी बढ़नी है, उस तेज़ी के अंदर इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा वीक हुआ है और वही इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। 2022 के बाद जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, इंडिया के अंदर गोल्ड एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है उसके लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद से।
दोस्तों हम आपको ये सब इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ YouTube के दोस्त ये हमसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब बड़ी गिरावट आती है फिर भी इंडिया के अंदर बड़ी गिरावट क्यों नहीं आती। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, लेकिन वो समय पे इंडियन रुपये डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है जो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट करता है और ज़्यादा गिरने नहीं देता। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर तेज़ी बढ़ सकती है और हमने आपको गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर महत्वपूर्ण लेवल्स भी बताए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने बताया, थोड़ी सावधानी भी ज़रूरी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी सपोर्ट के पास है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।